पॉलिटेक्निक वालों ने सवाल पूछा है सेट डेटा टाइप के बारे में, बताइए। देखो सेट डेटा टाइप कैसे जो है डिक्शनरी से अलग है और क्या क्या चीजें इसमें होती है। दो चीज तो बहुत ध्यान रखनी है कि सेट डेटा टाइप आर नॉट अलाउड डुप्लीकेट वैल्यू। जो सेट डेटा टाइप है वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड ही नहीं करेगा आपको, ठीक है। और दूसरी चीज है कि ऑर्डर इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, यानी कि ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ऑर्डर कहीं से भी उठाकर कहीं से भी दे देगा ये। ऐसा नहीं है कि जो आपने दिया है बिल्कुल उसी सीक्वेंस का ये प्रिंट करके देगा। तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए ये समझते हैं, मेन बात कर लेते हैं इसमें। तो ये एक फाइल बना रखी है मैंने, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखता हूं मैं 23, 5, 56, 23। ये देखिए 23 को रिपीट कर दिया, ठीक है। अब 23 को रिपीट कर दिया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये लिखा मैंने प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट लिखने के बाद ए को प्रिंट करवाना है तो ए लिख दिया आपने, और अब इसको प्रिंट करवाते हैं। तो पहले सेव कर लेते हैं इसको, तो यहां से इसको सेव करेंगे। तो किसी भी एक नाम से मैं सेव कर लेता हूं, डॉट पीवाई लगा करके एंटर प्रेस करता हूं। अब ये सेव हो गया, अब इसको रन करवाते हैं, देखते क्या होता है। तो यहां से इसको रन करवाया हमने, तो यहां पर देख सकते हैं कि ये प्रिंट क्या क्या कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या क्या प्रिंट करके दे रहा है। हमें 56 प्रिंट करके दे रहा है और 5 प्रिंट हो रहा है और 23 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। जबकि आप देख सकते हैं कि 23 हमने 2 टाइम्स लिखा हुआ था लेकिन एक ही टाइम आ रहा है। तो क्लियर है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं करता है। कौन सा डेटा टाइप? सेट डेटा टाइप, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट तो अलाउड नहीं है। अच्छा, यहां पर क्या हम कोई स्ट्रिंग लिख सकते हैं, मतलब कोई नेम स्ट्रिंग में लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां पर कर देता हूं SURAJ, ठीक है। ये सूरज कर दिया हमने। अब देखिए क्या ये प्रिंट होगा, आइए देखते हैं। इसको पहले सेव कर लेता हूं, सेव कर दिया। अब इसको एक बार रन करवाता हूं। F5 भी प्रेस कर सकते हैं आप डायरेक्टली, यहां से F5 प्रेस कर दीजिए तो भी रन हो जाएगा। तो यहां पर फिलहाल मैं क्या करता हूं, इस पर क्लिक कर देता हूं। तो ये क्लिक कर दिया, तो देखिए ना सूरज भी प्रिंट हो रहा है। एक बार हो रहा है कि नहीं? तो ये सूरज भी प्रिंट हो रहा है। अब क्या करता हूं मैं एक बार और दे देता हूं सूरज, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया SURAJ। तो देखिए ये दोनों हो गया, यहां पे बीच में कॉमा भी रहेगा, कॉमा मत छोड़िएगा नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको सेव कर देता हूं। सेव कर दिया, अब इसको एक बार रन कर पाता हूं। तो जैसे ही रन करवाऊंगा तो यहां पर ये सेव हो गया, और अब इसको रन करवा दीजिए। तो रन करवाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे सूरज हमने 2 टाइम लिया है, ठीक है। यानी स्ट्रिंग को भी ये प्रिंट नहीं करेगा, डुप्लीकेट से एकदम कतई अलाउड नहीं है सेट डेटा टाइप में, ठीक है। सेट डेटा टाइप में डुप्लीकेट वैल्यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, क्लियर है ना। अब बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा। अब कैसे पता कि ये सेट डेटा टाइप ही है? तो बस आपको करना कुछ नहीं है, इसी में आगे लगा दीजिए टाइप PYPG, ओके। और ये दो ब्रैकेट बस क्लोज कर दीजिए, और इसको यहां से कंट्रोल एस भी कर सकते हैं आप सेव करने के लिए। और यहां से इसको रन करवा देता हूं। तो रन करवाएंगे तो यहां क्या दिखा रहा है, सेट डेटा टाइप दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? तो ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये दिया हुआ है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी क्या गारंटी है भाई? तो यहां पर हमने जो नाम दिए हुए हैं, अभी इसको इरेज कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा आ जाते हैं ऑर्डर की बात कर लेते हैं। यहाँ 23 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, कॉमा देते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 7 लिखते हैं, यहाँ 8 लिखते हैं, यहाँ 90 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों बीच में कॉमा भी रहेगा, तो ये कॉमा दे देते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज मैंने लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ से ये टाइप हटा देते हैं, टाइप की कोई जरूरत नहीं है, ये तो पता ही चल गया कि ये सेट डेटा टाइप है, ओके। तो अभी टाइप की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर आएंगे इसको हटाएंगे, अब यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। तो ये सेव कर लिया हमने, सेव करके फिर यहां से रन पे क्लिक कीजिए और ये रन हो जाएगा। और रन होगा तो आप देखेंगे कि यहां पर पहले 4 प्रिंट हो गया है, फिर 5 प्रिंट हुआ है, फिर 23 प्रिंट हुआ है, फिर 7 प्रिंट हुआ है, फिर 8 प्रिंट हुआ है, तब 90 प्रिंट हुआ है। जबकि आपने लिखा था प्रोग्राम तो पहले 23 फिर 5, तो ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ये बात याद रखिएगा कि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। सेट डेटा टाइप में ऑर्डर का महत्व नहीं है, ऑर्डर की कोई गारंटी ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि सेट डेटा टाइप में ऑर्डर की गारंटी नहीं होती है, ठीक है। वी कैन नॉट डिसाइड, अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर की गारंटी नहीं होती है, इसकी वजह से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा प्रिंट होगा, ठीक है। ये कोई गारंटी नहीं है, प्रिंट तो वही होगा
लेकिन फर्स्ट एलिमेंट कौन सा प्रिंट होगा वो नहीं पता रहेगा आपको, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है। और इसके बाद बात कि अगर हम इसको एरे में, जैसे हम एरे यूज करते हैं या फिर हम इंडेक्सिंग करते हैं तो एरे का यूज करते हैं, तो वैसे क्या हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे ए जीरो करें तो 23 प्रिंट हो जाए, ए वन करें तो 5 प्रिंट हो जाए, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है, आइए समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं ए, ठीक है, और जीरो नंबर पे, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग तो जीरो से ही स्टार्ट होती है, तो जीरो नंबर पे जो है उसको प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट भी हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आपको आएगी टाइप की एरर, ठीक है, क्योंकि इसमें इस तरीके से आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर जब मैं इसको सेव करता हूं और फिर जब मैं इसको रन करूंगा F5 प्रेस करके, तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है सेट टाइप एरर, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो आप जानते हैं कि एरर को सब्सक्रिप्ट वेरिएबल भी कब बोला जाता है, ये सी लैंग्वेज में बात हुई थी। तो ये जो है टाइप की एरर देगा, तो एक क्वेश्चन यहां भी उठाया जाता है, तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं। तो ये सारी बातें अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बात करेंगे सेट की, इतनी बात क्लियर हो गई तो इससे काम काफी आपका आसान हो जाएगा, ठीक है ना।